गौरीशंकर महाविद्यालय गुलरिया उपराला आंवला बरेली में शनिवार को डीजी शक्ति स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण का कार्यक्रम हुआ, जिसके मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह रहे, जिसमें 73 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन एवं टैबलेट मिले, जिन्हें पाकर छात्र छात्राओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। जो इंटर कॉलेज है वो भी तालाब नहीं बनी, वो शंकर जी का तालाब था। भोले बाबा से प्रार्थना की कि बाबा ये तालाब पटवाओ, तो बाबा ने डमरू बजा के ही पटवा दिया एक क्षण में। यहाँ डीएम थे राम बाबू, मैं गया कि भैया हमारा तालाब पटवा दो। ऐसे ही डीएम ने कहा प्रमुख जी, मैं जिला प्रमुख हो गया था, प्रभु जी तालाब खुदवाते हैं पटवाते नहीं, कि तालाब खुदवाने की योजनाएं आती है पटवाने की नहीं आती। तो हमने कहा भाई अब तो गड़बड़ हो गया, हमने कहा कुछ तो करना है, बोले एक काम करो, तो हमें कह दो कि जमीन जगह का समतलीकरण करा दे। तो वो समतलीकरण में तालाब हाथी डुबाऊ तालाब था, कभी हम पटवा नहीं सकते थे, भोले बाबा ने वो पटवा दिया। आज इंटर कॉलेज लंबा इतिहास है, इंटर कॉलेज है, मान्यताएं हुई कैसे हुई उसी इंटर कॉलेज से, क्योंकि हमको आज जब यहाँ लड़कियों को हमने एमए और एमएससी में लैपटॉप देने का काम किया, उन दिनों हम लड़कियां उधार मांग के लाते थे, ये उधार बैठिए उसमें भी एक पार्ट है। हमने कहा पहली लड़कियों को लेकर चलो जरा कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जाए, तो ये हमारे कॉलेज में सांस आंवला से लड़कियों को लाते थे। फिर हमने बड़ा गांव से बनिए परिवार की लड़कियों को मांगा कि जिनका दाखिला कराओ, फिर दुकानें खुलवाई, एक लाला को लाए निर्वाह के रैया चाय की दुकान खोलो। खैर जैसा कि अभी रणवीर ने कहा, बहुत संघर्ष के बाद आज आंवला विधानसभा आंवला तहसील जनपद बरेली में शिक्षा का हमें आज यहाँ इंटर कॉलेज है, आज डिग्री कॉलेज है, और सबसे बड़ी बात है एमएससी का एजी कॉलेज है आज इसमें आप विराजित। मुझे लगा कि कुछ लड़कियां एमएससी एजी में पढ़ती होंगी, लेकिन मैंने जब टैबलेट बांटा तो एमएससी एजी नहीं निकली कोई लड़की, लड़कियां अब एमएससी एजी भी कर रही और बड़ी संख्या में कर रही है। जिन बच्चों ने एमएससी एजी पास किया है उनके पीछे नौकरी दौड़ेगी, उन्हें कोई कठिनाई नहीं होगी किसी तरीके से, जहां चाहेंगे वहां चांदी पैर मारेंगे। हजारीलाल वो हमें नदी उतरने उतारने जाते थे मंझावाली, तो नदी उतार के हम पैदल पैदल पुंडापुर होते हुए मऊ होते हुए रेलवे स्टेशन पर बैठकर तब फिर बरेली पहुंचते थे। खैर इतिहास बड़ा लंबा है, बड़ी कष्ट साध शिक्षा पर ग्रहण किए, जब कहा कि स्कूल खोलेंगे तो अम्मा से कहा अम्मा कुछ रुपया दे दो, तो माँ को मेरी लग गया मेरी दादी को कि ये मन से वास्तव में स्कूल खोलना चाहता है, तो उन्होंने उस समय मुझे 60 रुपए चांदी के दिए, बोले चुप्पा चुप्पा रख लो और बताइयो मत, जब लाला की दुकान पर जाओ और जो कुछ ले हो तो ले लो। हमने घर की गली ले गए, कुछ उससे कुर्सी खरीद के लाए, कुछ भरा खरीदी और छप्पर डलवाया, स्कूल चलाना शुरू किया छप्पर में। आज ये बात बताने में प्रसन्नता हो रही है, उस फाउंडेशन का उस छप्पर का एक विद्यार्थी बहुत खुशी खुशी आज हमारे मंच पर बैठा। हमने 9th खोला, कहा कि भाई नीचे नहीं पढ़ाएंगे ऊपर पढ़ाएंगे। उस समय 10 छात्र थे, रणवीर सिंह यादव उसमें थे, नकल होती नहीं थी, बहुत मेहनत से पढ़ाया। सिरौली सेंटर गया,
दस में दसों पास हुए, एक भी बालक फेल नहीं हुआ। बिना नकल के सरौली इंटर कॉलेज में सत्येंद्र मोहन प्रधानाचार्य थे, नकल होने ही नहीं होते थे। बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वीरेन वर्मा एडवोकेट ने कहा कि धर्मपाल सिंह तुम्हारी जड़ तो है ही नहीं, भूची से कहीं स्कूल चलते। हमने कहा भाई साहब, आपने कहा कि हाई स्कूल खोलो, तो हमने हाई स्कूल खोल दिया। बोले हाई स्कूल से कहीं मान्यता मिलेगी? बोले कक्षा छह खोलो। अरे हमने कहा छह में नहीं खोलेंगे, हम तो इंटर कॉलेज चलाएंगे। बोले दिमाग खराब है। फिर इन नाइन्थ और टेंथ में लड़कों को पढ़ाने के बाद संपर्क शुरू किया। हमारा रिजल्ट देखकर लोग स्वयं प्रवेश लेने के लिए आने लगे।